ऐसे बहुत ही सुंदर तरीके से निकासी की हुई है पूरे कम्बो पे। ये देख रहे हो आप सुंदर सुंदर निकासी, और ये कुछ इस तरह से पूरी जगह आते हैं हम। अच्छा, इसका जगह का पता है क्या? इसके इसको किस नाम से बोलते हैं? चार खंबा। चार खंबा, चार खंबा, चार खंबा की छतरी ऐसे बोलते हैं? चार खंबा ही बोलते हैं। चार खंबे हैं कि जब ये पूरी तरह से निर्मित होगा तो कितना भव्य होगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल राजेश जॉन। तो दोस्तों, आप जितने मेरे जो 12 सीरीज के जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा अपना प्यार दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का दोस्तों धन्यवाद। और आप दोस्तों, मैं जो 12 जिले में विलासगढ़ एक जगह है तो वहाँ चार खंबों की छतरी है, और यहाँ विलासगढ़ के अंदर बहुत अच्छी देखने की जगह है, वो सारी मैं दिखाऊंगा। और अभी मैं एक रिवर के किनारे पे खड़ा हुआ हूँ, और आप ये रिवर यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, रोड निकल रहे हैं विलासगढ़ के लिए, इसी रास्ते से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एक दृश्य देखने को मिला है, आप देखोगे तो किस तरह सुंदरता का एक अलग ही नमूना यहाँ पे पेश हो रहा है। आप देख रहे हो कितने भव्य तरीके से पानी इस रिवर से आगे होते हुए जा रहा है, और आप देखोगे ना तो ये एक अजीब सा एक मेरे को दिखा, तो इस वजह से आप सभी दोस्तों को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं रुका हूँ। 5 मिनट का ब्रेक लिया है मैंने, और आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना। अभी जो चार खंभों की छतरी है उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं, और आपसे भाई से मिलवा देता हूँ। ये यहीं का 12 का है और मेरे को ये चार खंभों की छतरी दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। इनका भी सोशल न्यूज चैनल है, तो वहाँ पे ये अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं यहाँ के लोकल, और कहीं बाहर की भी दिखाते हैं जहाँ जाना पहुँचना होता हो तो। और आपकी यात्रा, आपकी यात्रा, जी बिल्कुल आपकी यात्रा के नाम से इनका चैनल है, तो आप इनके चैनल भाई आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं कि भाई राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ का पहनावा, यहाँ का रहना किस प्रकार है, कौन कौन से जहाँ पर लोग रहते हैं, किस क्षेत्र में कौन से प्रजाति के लोग रहते हैं, जनजाति, शहरी जनजाति भी है और अलग अलग जनजाति सब दिखाते हैं राजेश भाई। तो मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश भाई, आप ऐसे लगे रहिए, काम करते रहिए, और जो आपके दर्शक हैं उनको भी कहना चाहूंगा मैं, राजेश भाई को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, अभी फॉलो करो, राजेश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही वो चार खंबे हैं, और इसको यहाँ के लोकल लोग चार खंबों की छतरी भी बोलते हैं, और आप देखोगे बहुत ही भव्य तरीके से इस खंबों में निकासी की हुई है। और यहाँ पे जो अभी दोबारा काम चल रहा है, यहाँ पे दोबारा निर्माण हो रहा है, इस जगह को दोबारा डेवलप किया जा रहा है, और आप आओगे ना तो इस इन खंबों पे आप देखोगे ना तो ऐसे बहुत ही सुंदर तरीके से निकासी की हुई है पूरे कम्बो पे। ये देख रहे हो आप सुंदर सुंदर निकासी, और ये कुछ इस तरह से पूरी जगह है, आप यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे भी निर्माण हो रहा है, उस जगह पे निर्माण हो रहा है, और इस तरफ भी निर्माण हो रहा है। तो आप क्या कहते हो इस जगह के लिए, क्या कहते हो? चार कम्बो की छतरी, और ये बहुत प्राचीन जगह है, प्राकृतिक विभाग के अंडर में आती है, एसआई डिपार्टमेंट में, और ये विलासगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, विलासगढ़ जो गांव है उसमें स्थित है। और यहाँ पर जो नोरा है, नोरा में भी वहाँ पर जो पुराने राजा महाराजाओं की जो वास्तुकला है, शिल्पकला, उससे मूर्तियाँ बनाई गई थी, उस प्रकार वहाँ पर भी मूर्तियाँ संजोकर रखी गई है। और ये चार खंभों की छतरी, यहाँ पर भी मूर्तियाँ है, तो यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है और इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है दोबारा, या टूटा फूटा है, बना बिल्कुल जा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये आप देखोगे ना इस तरफ पे भी कुछ बड़ी सारी
मूर्ति थी पहले, लेकिन अब वो किसी ने चोरी कर लिया, पुरातत्व विभाग उस मूर्ति को लेके चले गए, तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत ही अद्भुत मूर्ति होगी। यानी पहले मेरे को यहाँ देख रहा हूँ ना तो कटिंग की हुई हुई है, यानी तोड़ी हुई मूर्ति है यहाँ पे पुरानी वाली। और इस तरफ देखोगे आप सामने यहाँ पे, तो ये पूरा चार खंभों पे टिका हुआ है ये पूरा है। तो आप सोचिए कि जब ये पूरी तरह से निर्मित होगा तो कितना भव्य होगा। देखोगे यहाँ पे जो अभी भी जो पत्थर लगे हुए हैं इसे चार खंभों की छतरी पे, तो इनकी निकासी देखोगे ना तो बहुत ही अद्भुत तरीके, लेकिन ये इन पे आप अच्छी तरह देखोगे तो ये सारी खंडित हुई है। और ये हाथी की कुछ छाया चित्र है इसमें निकाली हुई निकासी है। और ये आप चार खंभों की छतरी कुछ इस तरह से है। योगेंद्र आपका देवेंद्र क्या आपका देवेंद्र कहाँ के हो बिलासगढ़ी इसके यहीं से गांव के हो हाँ। आते हो आप हाँ। कब कितने दिनों में आते हो आते रहते हैं हम तो। अच्छा इसका जगह का पता है क्या इसके हाँ। इसको किस नाम से बोलते हैं चार खंबा की छतरी ऐसे बोलते हैं चार खंबा ही कहते हैं चार खंबा ही बोलते हैं यानी चार खंबे है यहाँ पे है ना। अच्छा कौन से क्लास में पढ़ते हो और आप सेवंथ और आप पांचवी में तो दोस्तों हो तुम हाँ, पक्के वाले हैं हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बच्चे मिले बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और ये चार खंभों के नाम से यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बाग देख रहे हैं कि चार खंभे ही खड़े हैं। तो दोस्तों आपको ये बिलासगढ़ की चार खंभों की छतरी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट के माध्यम से मेरे को आप बताना। और मैं जो बारह जिला है उसकी यात्रा कर रहा हूँ और आपको यहाँ के मंदिर यहाँ के किले और यहाँ के ऐतिहासिक जगह दिखा रहा हूँ। तो आई होप आप सभी दोस्तों को पसंद आ रही होगी तो आप प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार दोस्तों मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, इतने प्यारे प्यारे वीडियो लाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप देख पाओ। यही इतनी मेहनत करता हूँ, दिल जान से इतने प्यारे प्यारे वीडियो बनाता हूँ, आप उनको देखा करो, दोस्तों के साथ शेयर करा करो। और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।